हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर। तो धोनी ऑटो कार सेंटर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें जर्नल एंट्री है ना पास करनी है। तो यहाँ पे 2018 नवंबर की है ना, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हमको दी गई है 2018 नवंबर की। तो एक छोटा सा करेक्शन आप लोगों ने कर लेना है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में। ये जो है ना, आपको पता है नवंबर में कितने डेज होते हैं भाई, 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पे आप है ना, ये जो ट्रांजेक्शन है इसको 30 एंड 30 आपको कर लेना है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट। एंड फिर यहाँ पे जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है कि सोल्ड किया 1000 का शेयर्स फॉर ₹100 each एंड पेड ब्रोकरेज, और उसके लिए ना ब्रोकरेज पे की एट द रेट ऑफ 1% एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू आर अकाउंट। तो है ना, यहाँ पे इसने इन्वेस्टमेंट, ये शेयर्स बोले तो इसके लिए क्या है, धोनी के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो इसने अपना इन्वेस्टमेंट है ना, शेयर्स है वो सेल कर दिया। तो है ना, 1000 का ₹100 के लिए इसने सेल किया, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है ना 100 करेंगे तो 10,000, और उसपे फिर 1% की है ना ब्रोकरेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो खाते में जो पैसा आने वाला है तो वो है ना कम आएगा, क्योंकि है ना 1% का ब्रोकरेज का पेमेंट यहाँ पे हो जाने वाला है। तो यहाँ पे है ना जब एंट्री बनने वाली है तो वो है ना बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर है ना इन्वेस्टमेंट करके हम लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है कि परचेज गुड्स फ्रॉम आशीषन कंपनी, आशीषन कंपनी से गुड्स परचेज किया ₹2 लाख का, तो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू आशीष करके हम लिखेंगे। देन सिक्स सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी ₹1,50,000 का, तो यहाँ पर आएगा विराट अकाउंट डेबिट, विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देन एट पेड फॉर इन्वेस्टमेंट ₹30,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट खर्चा है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना है हमें ना, टू टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम नहीं लिखना। देन टेंथ पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट ₹7,000, तो यहां पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे हम। देन ट्वेल्थ परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी ₹1,50,000 एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी, तो यहां पर है ना परचेस किया है तो परचेसेस अकाउंट डेबिट एंड फिर इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी हमको है ना कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद में हम टू प्रकाशन कंपनी लिखने वाले हैं। क्रेडिटर है वो हमारा, इसीलिए 15 तारीख को बोला है पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस एंड उसके साथ में 10,000 का ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी, तो हमको 12% की जीएसटी भी कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे है ना ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू जीएसटी के बाद में है ना इसमें इंक्लूड करना होगा हमको टू कैश अकाउंट। देन 20 को परचेस गुड्स फ्रॉम विक्रम, विक्रम से है ना गुड्स परचेस किया विक्रम एंड सन से ₹1,20,000 का एंड एट द रेट ऑफ जीएसटी 18% की जीएसटी एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली, तो यहाँ पे आधा अमाउंट कैश ट्रांजेक्शन हो गया राइट। तो यहाँ पे है ना परचेसिंग के लिए जब हम परचेसेस अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी इनपुट सीजीएसटी एंड देन टू विक्रम सन्स अकाउंट आधा अमाउंट, क्योंकि इस पे पहले जीएसटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमको 18% ₹1,20,000 पे, फिर हाफ हाफ 50-50 अमाउंट कर देना टू कैश अकाउंट करके हम लिखने वाले हैं। देन 25 तारीख को पेड टू प्रकाश एंड कंपनी पेमेंट किया लेस 10% डिस्काउंट, तो है ना यहाँ पे प्रकाश से, यहाँ पे देखिए प्रकाश से 12 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ था, प्रकाश से है ना परचेस किया था गुड्स, गुड्स हमने प्रकाश से परचेस किया था, तो उसको पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट कर रहे तो प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड फिर हम लिखने वाले हैं टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किया एंड यहाँ पे हमको 10% का डिस्काउंट रिसीव होने वाला है, मतलब किसको, धोनी ऑटो कार को, तो टू डिस्काउंट अकाउंट करके हम लिखेंगे। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देने वाली हूँ। देन इनवॉइस गुड्स टू संजय, तो जब भी इनवॉइस वर्ड आता है तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सोल्ड है, इनवॉइस मतलब सोल्ड, तो सोल्ड गुड्स टू संजय हुआ, तो यहाँ पे संजय को सेल किया ₹60,000 का, तो यहाँ पे संजय अकाउंट डेबिट, क्योंकि संजय हमारा डेटर हो गया तो संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हम लिखेंगे। देन यहाँ पे 30 तारीख कर लेना है आपको, संजय रिटर्न गुड्स ऑफ ₹10,000, उसने गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो है ना सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना होगा 10,000 टू संजय अकाउंट। देन वापिस 30 तारीख लिखना है आपको, संजय बिकेम इंसॉल्वेंट, संजय यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गया एंड रिकवर्ड ओनली 50 पैसा इन रूपी
एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे है ना 50,000 का जो ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसको सेल किया था ना 50,000 का, मतलब 10,000 तो ऑलरेडी सेल्स रिटर्न हो गया, तो 50,000, 50,000 में से 25,000 रिसीव हुआ और 25,000 है ना बैड डेब्ट्स करके हमको रिकॉर्ड करना है। तो हमको इस तरीके से इसको है ना मतलब हमको इसको मेंटेन करते हुए बताना पड़ेगा भाई 50% रिसीव हुआ, 50% नहीं रिसीव हुआ। तो जो रिसीव हुआ उसको कैश अकाउंट डेबिट करके हम 25,000 लिखने वाले हैं एंड बैड डेब्ट्स अकाउंट 25,000 एंड टू संजय अकाउंट करके हम रिकॉर्ड करने वाले एंट्री। तो मैंने इसका फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है, तो ज्यादा समय ना बिताते हुए मैं आप लोगों को फिर से कॉन्सेप्ट्स है ना वन बाय वन आपको डीपली है ना सारे कैलकुलेशन पार्ट बताते हुए हम जर्नल एंट्री फ्रेम करेंगे। तो मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी और अकाउंट्स में आप एकदम है ना मास्टर हो जाओगे, क्योंकि ये आपका बेसिक है। आपको एक एक पॉइंट है ना सुनना है, एक एक पॉइंट का ध्यान रखना कि बहुत सारी चीजें मैं सॉल्यूशन करते समय सॉल्व करते करते बताती हूँ, और तो उसका खासा ध्यान रखना है आपको। वीडियो को स्किप करके आपको है ना नहीं देखना है, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेके जस्ट अपने सॉल्यूशन कर दे, उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स है ना। सी लिसनिंग इज द पावर, लिसनिंग भी एक पावर होता है। आप जब सुनते हो अच्छे से सुनते हो तो वो है ना आपको ऑटोमेटिकली है ना आपको सही समय पर है ना क्लिक होती हैं चीजें, इसलिए सुनते हुए ध्यान देते हुए, क्योंकि अभी वैसे भी आपके फिजिकल लेक्चर्स नहीं है, तो ध्यान देते हुए आपको है ना सारे है ना एंट्रीज को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ है ना एंटर करते जाना है। तो लेट्स बिगिन विद द ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर है Sold 1000 shares, 1000 shares है ना सेल कर दिया। तो ये जो शेयर्स होता है, शेयर्स होता ही है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, उसके लिए शेयर्स खरीदा जाता है, तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अभी इसको है ना बेच रहा है, ये बेच रहा है जो धोनी ऑटो कार सेंटर है वो बेच रहा है शेयर्स को 100 rupees ईच का, एंड ब्रोकरेज उसके लिए 1% का ब्रोकरेज भी पे किया है। तो यहाँ पर हम इसकी जो एंट्री है वो लिखेंगे भाई बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, शेयर्स बेचा क्रेडिटेड टू आर अकाउंट, क्रेडिटेड टू आर अकाउंट मतलब हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ गया। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 करने पे कितना होगा 1 lakh होगा, और 1 lakh पे 1% काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हम जरा सा इसका छोटे छोटे कैलकुलेशंस है जो बहुत ही एसेंशियल हो जाता है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो पहले तो हमें इसकी एंट्री लिख लेते हैं कि भाई है ना 2018 का नवंबर महीने का ये है ना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है ना बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इसमें पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है बंदे का, किसका धोनी ऑटो कार सेंटर का। एंड फिर ब्रोकरेज अकाउंट, यहाँ पर ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मतलब कमीशन भाई, इसके सेल करने पे जो सेल करने पे ब्रोकरेज लगती है तो वो ब्रोकरेज का पेमेंट करना, तो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट। एंड उसके बाद में यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख लीजिए इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। अभी यहाँ पर अभी अमाउंट कितना, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे 1000, तो पहला जो नवंबर का ट्रांजेक्शन है यहाँ पे वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में तो उसमें हम लिखने वाले हैं कि भाई है ना 1000 कितने, तो 1000 यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 100। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज करेंगे तो 1 lakh रुपीज आ गया। अभी ये 1 lakh रुपए पे 1% का 1% ब्रोकरेज, 1% ब्रोकरेज तो 1 lakh मल्टीप्लाई बाय 1/100, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई 1000 का ब्रोकरेज आ गया, तो 1 lakh माइनस 1000 करने पे 99,000। तो ये जो 99,000 है ये बैंक में हमको दिखाना है बैंक अकाउंट, और ये 1000 है ये ब्रोकरेज दिखानी है हमको, ब्रोकरेज में दिखाना है। एंड ये जो 1 lakh है ये इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे हमको इस अमाउंट को दिखाना है जो हमने जर्नल एंट्री लिखी है। तो इस तरीके से अमाउंट को हमको प्रेजेंट करना होगा, अमाउंट को हमें दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम
यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट में आ गया, भाई बैंक के खाते में 99,000 आ गया, देन 1,000 ब्रोकरेज, और यहाँ पर टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो 1,00,000। नरेशन में लिखेंगे ब्रोकरेज एक्सपेंसेस होता है, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखा जाता है, एंड इन्वेस्टमेंट एसेट होता है तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं हम। तो यहाँ पर बिंग 1,000 शेयर्स सोल्ड फॉर ₹100 एंड ब्रोकरेज ब्रोकरेज 1% ब्रोकरेज लिख दो, 1% ब्रोकरेज पेड, इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो होगा, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन को सेपरेट करने के लिए लाइन ड्रॉ कर देना है पर्टिकुलर्स के यहाँ पर, एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है 4 तारीख का। 4 तारीख को परचेस गुड्स फ्रॉम आशीष कंपनी, आशीष कंपनी से परचेस किया, तो आशीष कंपनी क्रेडिटर हो गया, एंड परचेसेस अकाउंट, तो परचेसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, एंड आशीष कंपनी को, आशीष कंपनी को क्रेडिट और परचेसेस को डेबिट, तो यहाँ पर हम 2,00,000 की एंट्री लिखेंगे। 4 तारीख को परचेसेस अकाउंट डेबिट टू आशीष एंड कंपनी अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट आएगा 2,00,000। 2,00,000 की परचेस की है, उधार में की है, इसका मतलब नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम आशीष। इसके बाद में उसको सेपरेट कर देंगे ट्रांजेक्शन को। नेक्स्ट है 6 तारीख को कि सोल्ड गुड्स टू विराट, विराट को बेच दिया, विराट एंड कंपनी को गुड्स सेल किया, तो विराट एंड कंपनी है ये डेटर हो गया, तो उसको डेबिट में लिखेंगे, एंड सेल्स है ना ये है ना ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए सेल्स को क्रेडिट में लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो नेक्स्ट जो एंट्री आएगी 6 तारीख को, विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 1,50,000, ये क्रेडिटर है, सॉरी ये डेटर है, कौन है ये डेटर है, तो जब डेटर इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखा जाता है, और यहाँ पे ऊपर जो आशीष एंड कंपनी वो क्रेडिटर है, तो जब क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं। अभी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लग गए होंगे, इतने डीप में मुझे मतलब बार बार लिखने की शायद जरूरत ना पड़े। परचेसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट करो, एंड सेल्स इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करो, क्योंकि सेल्स है ना वो इनकम है, सेल करने पे तो इनकम होगी ना बिजनेसमैन को, सामान बेचेगा गुड्स बेचेगा तभी तो इनकम होगी, तो इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करो। तो 1,50,000 नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड टू, बिंग गुड्स सोल्ड टू, और यहां पर विराट एंड कंपनी सेपरेट कर देना है इसको ट्रांजेक्शन को। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है भाई 8 तारीख की बात हो रही है। 8 तारीख को क्या हो रहा है, तो पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया 30,000, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा, एंड पेमेंट किया इसलिए कैश चला जाएगा बिजनेस से, इसीलिए हम एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे। तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया, लेकिन उसका टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट विज्ञापन देने के लिए, एडवर्टीजमेंट देने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया को पेमेंट किया 30,000 का, एडवर्टीजमेंट टू कैश अकाउंट, कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया बिजनेस का, खाते से पैसा जाएगा,
नरेशन में लिखेंगे बिंग, यहां पर लिख देंगे हम बिंग एडवर्टाइजमेंट चार्जेस पेड टू बिंग एडवर्टाइजमेंट, ये एक्सपेंस हो गया ना, एक्सपेंसेस पेड टू, यहां पे अभी आप टाइम्स ऑफ इंडिया का नरेशन में नाम लिख दो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको सेपरेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो है 10 तारीख को, तो 10 तारीख को बोला है पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो फिर पेमेंट, पेमेंट मतलब कैश गया, कैश गया तो हमको कैश को क्रेडिट करना है एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हमको डेबिट करना होगा, तो हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10 तारीख को, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, तो कितना होगा डेबिट 7000 टू कैश अकाउंट, कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया है 7000, यहाँ पे ये एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ, यहाँ पे कैश डिक्रीज हुआ, तो क्रेडिट कर रहे हैं, नरेशन में लिखेंगे बिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड, सेपरेट कर दो। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन, यहां पर बोला है कि परचेस गुड्स, गुड्स परचेस किया किससे, तो फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, आकाश एंड कंपनी से, तो आकाश प्रकाश सॉरी प्रकाश एंड कंपनी से, तो प्रकाश एंड कंपनी को हमें ना क्या करना होगा, ये हमारा क्रेडिटर हो गया तो इसको क्रेडिट करना होगा, ये क्रेडिटर हो गया इसलिए इसको क्रेडिट करना होगा, और परचेसेस को हमें डेबिट करना होगा, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट एंड इसके साथ साथ में यहाँ पे जीएसटी दिया है, इसीलिए परचेसेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी, तो इस तरीके से हमको जर्नल एंट्री लिखनी होगी, तो यहां पर हम 12 तारीख को लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, यहां पर हमको प्रकाश एंड कंपनी का नाम लिखना होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे टू प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट, अभी इसका अमाउंट हमको पता नहीं है, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें है ना प्रकाश एंड कंपनी, उसमें जीएसटी भी ऐड करके पेमेंट रिकॉर्ड होगा ना कि भाई उसको पेमेंट उतना करना है, तो जीएसटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में, तो यहां पर जो 12 तारीख को कॉस्ट प्राइस, यहां पर जो इसकी इसकी जो कॉस्ट प्राइस है गुड्स की, जो कॉस्ट प्राइस है परचेसेस प्राइस मतलब परचेसेस कितने का हुआ, तो 150,000 का परचेसेस हुआ, ये कॉस्ट प्राइस होगी, सीपी हो गई, फिर उसके ऊपर जीएसटी, तो यहां पर 18% जीएसटी इज इक्वल्स टू 150,000 मल्टीप्लाई बाय 18/100, सो दिस टू जीरोस गॉट कैंसल, जीरोस कैंसल हो गए राइट, एंड यहां पर ये जो 15 यहां पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे जीएसटी कितनी आने वाली है, तो 15 18 से अगर हम बोलते हैं 15 18 से जब हम करेंगे तो यहाँ पे 27,000 हमको रिसीव होगा, 27,000 की जीएसटी इस पे कैलकुलेट होगी, तो 27,000 की जीएसटी हुई।
अब इसको आपको क्या करना होगा, इसे आपको SGST एंड CGST, तो CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 27,000, तो 2 1 2 2, 13 26, 1 2 5 10 और 0 0, तो 13,500। तो इस तरीके से आप ये मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आपको 270 रिसीव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 13,500 हमको इनपुट CGST एंड इनपुट SGST के लिए लिखना है, एंड परचेसेस के लिए 1,50,000 लिखना है, और टोटल है ना जो वो हमको प्रकाश एंड सन्स में लिखना है वो होगा 1,50,000 प्लस 27,000, तो 1,77,000। तो यहाँ पे पहले परचेसेस में हम लिखेंगे 1,50,000 परचेसेस में, फिर उसके बाद में 13,500 इनपुट CGST, फिर 13,500 इनपुट SGST एंड 1,77,000 हो गया प्रकाशन कंपनी। ये क्रेडिटर है तो क्रेडिटर के खाते में है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया है, किसने, धोनी ऑटो ने, कि भाई इसको पेमेंट करना है फ्यूचर में, उधार में है ना, इससे माल परचेस किया है, मतलब उधार में माल परचेस किया है, इसको सेपरेट कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट मूव करेंगे हम, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन दिया है वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में यहाँ पे बोला है कि ट्रांसपोर्ट पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, एंड यहाँ पे 12% की GST भी कैलकुलेट हो रही है, तो यहाँ पे है ना CGST एंड SGST भी हमको लिखना होगा। तो उसके पहले हम 1,20,000 यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया हुआ है 10,000 का, उस पर 12% GST बोलेगा तो कितना आएगा, 1,200 रुपीज आएगा, 1,200। तो इसका कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट में 15 तारीख को ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्योंकि GST का भी तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, ट्रांसपोर्ट चार्जेस इज इक्वल्स टू 10,000, 12% GST इज इक्वल्स टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, सो जीरोस गॉट कैंसल एंड 1200 आ गया। तो अभी CGST is equals to SGST is equals to 1200 multiply by half कर दो, या half multiply by 1200 कर दो, तो 600 and 600 आ जाएगा। तो अभी हम रिकॉर्ड करेंगे 10,600 एंड फिर 211,100 किसके यहाँ पे कैश चला जाएगा वहां पे हमको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हम एंट्री को लिखेंगे 15 तारीख को लिखेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना 10,000, फिर CGST अकाउंट इनपुट CGST लिख लीजिए, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, जरा सा आप मार्जिन के अंदर मत लाइएगा इनपुट CGST, ऐसा अगर होता है तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे इनपुट लिख सकते हैं 600, देन इनपुट ये डेबिट हुआ, इनपुट SGST क्यों हम डेबिट करें, क्योंकि एक्सपेंसेस ही हो गया ना, एक तरीके से टैक्स पे किया जा रहा है, टैक्स दे रहे हैं हम, राइट। तो 600 अभी क्रेडिट में जाएगा, थोड़ा स्पेस लीव करके क्रेडिट में लिखेंगे 2, यहां पर हमने क्या किया है पेमेंट किया है तो टू कैश अकाउंट, ये पे किया गया है तो टू कैश अकाउंट, तो टोटल कैश का कितना गया, तो 11,200 कैश चला गया बिजनेस से, 11,200 नरेशन में लिखेंगे बिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड एट द रेट ऑफ 12% GST। इस तरीके से हमें लिख लेना है, इसको सेपरेट कर देंगे ट्रांजेक्शन को। अभी नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री है उसमें क्या बोल रहे हैं जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जर्नल एंट्री में बोल रहे हैं कि परचेस गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड सन्स, तो परचेस किया, तो विक्रम एंड सन्स है ये है ना हमारा क्रेडिटर हो गया, तो हमको क्रेडिटर में है ना विक्रम एंड सन्स को लिखना है, ठीक है। एंड उसमें क्या बोला 18% का GST, तो 18% GST कैलकुलेट करना है।
एंड उसके बाद में हमें 18% जीएसटी कैलकुलेट करने के बाद में हाफ अमाउंट पेड, हाफ अमाउंट इमीडिएटली पे कर देना है, विक्रम एंड सन्स को दिखाना है कि भाई आधा अमाउंट इमीडिएटली पेमेंट हो गया है। तो मतलब यहाँ पे जो जर्नल और आधा है ना विक्रम एंड सन्स के खाते में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो इस तरीके से होगी। यहाँ पे ना थोड़ी स्पेस कम हो जाएगी इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है हमें लिखना है 20 तारीख का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट इनपुट। तो यहाँ पे परचेसेस तो 1,20,000 के, तो वो तो आप इमीडिएटली 1,20,000 लिख सकते हो, बाद में आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, यहां पर आएगा बंदे का उधार में, आधा उधार में रहने वाला है तो यहां पे हम लिख लेंगे विक्रम एंड सन्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो अभी इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। 1,20,000 पे 18% जो कैलकुलेट करेंगे जीएसटी कितनी आती है, तो यहां पर 20 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है परचेसेस 1,20,000 देन 18% जीएसटी इज इक्वल्स टू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना है 18% है ना, इसके लिए 18/100 करेंगे हम, दिस जीरोस गॉट कैंसिल। देन 18 2 सा कितना होता है 36, तो 36 का 6 कैरी ओवर 3 के 18 1 18 एंड 3 कितना हो जाएगा 21,000 और ये दो जीरोस तो 600। अभी इनपुट CGST इज इक्वल्स टू इनपुट SGST इज इक्वल्स टू, क्योंकि आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है और आधा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो 1.5 डेवलपमेंट के लिए यूज होता है ना, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गए। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 10,800 अमाउंट आएगा, क्योंकि 2 1s are 2, 2 10s are 20 एंड फिर 1 lakh तो 2 8s are 16 एंड 0 0 तो 10,800 आएगा। अभी हम इसको अमाउंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं और टोटल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 2,41,600। मतलब इसको जो 2,41,000 इसका भी हमको कैलकुलेट करना है। अब टोटल जो अमाउंट है टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल्स टू 1,20,000 प्लस आपको 21,600 करना होगा, तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 1,41,600। अब इसको आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, हाफ पेड बाय कैश एंड जो बचा हुआ हाफ है हाफ किसके खाते में लिख देंगे हम यहाँ पर, विक्रम एंड सन्स के खाते में, तो विक्रम एंड सन्स के खाते में अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हाफ हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे हाफ ये, तो 1,41,600 का हाफ बोलेंगे तो कितना होएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 70,800 डिवाइड करके देखिएगा यही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना 14 का हाफ कितना होता है 7 होता है और 0 हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों भी है ना 16, हम दो डिजिट हम यूज करने वाले हैं इसीलिए, तो एक 0 लगाने के बाद में 2 8s का कितना होता है 16 होता है, तो 70,800 एंड 70,800 का। अभी नरेशन में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखें पहले अभी इसको अमाउंट को तोड़ कर लूं, तो यहाँ पर पहले हम लिख देंगे कि भाई कितना 10,800 एंड देन विक्रम एंड सन्स के उसमें जाएगा 70,000
70,800 कैश पेमेंट, इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दिया है, तो इसी हिसाब से फिर आपको लिखनी होगी एंट्री। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नरेशन में, नरेशन में लिख देंगे बिंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम विक्रम एंड सन्स एट द रेट ऑफ 18% GST एंड हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली, तुरंत पे कर दिया, तो मतलब बाकी का क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। इस तरीके से एंट्री करनी है आपको। यहाँ पे जैसे कैश डिक्रीज हो रहा है इसीलिए उसको क्रेडिट किया, विक्रम एंड सन्स हमारा क्रेडिटर है वो इंक्रीज हो रहा है इसीलिए उसको क्या किया हमने क्रेडिट किया, एंड परचेसेस वो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट किया, इनपुट GST इनपुट SGST ये क्या है ये दोनों एक्सपेंसेस ही हो गए तो ये इंक्रीज हो रहे तो डेबिट करना है, इस तरीके से हमको करना है। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है ना भाई, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ना। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या दी है कि भाई पेड टू प्रकाश, प्रकाश को पे कर दिया लेस 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की एंट्री कब है, 12 तारीख को प्रकाश से खरीदा था 150,000 का, साथ में है ना 18% की GST भी हमको उसमें इंक्लूडेड अमाउंट चाहिए, तो कितना टोटल है देखिए हमारे पास यहाँ पर प्रकाश को से जो लिया था वो 177,000 टोटल उसको पेमेंट करना है, 177,000 तो 177,000 उसको पेमेंट करना है। और यहाँ पे क्या बोला कि है ना भाई 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, लेकिन पता है ये 10% का डिस्काउंट किस पे मिलेगा, ये क्या 177,000 पे 10% नहीं मिलेगा, टैक्स पे का डिस्काउंट, ये डिस्काउंट मिलेगा ओनली 150,000 पे 10%, तो 150,000 का 10% कितना होता है 15,000। तो हमको इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन, तो उसको ये जो है ना मैं आपको इसका दिखा देती हूँ कैलकुलेशन बेटर रहेगा ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं हो समझने में। जो 25 तारीख का ट्रांजेक्शन है भाई उसको जो प्रकाश को देना कितना है, प्रकाश का 177,000 है राइट, लेकिन इसमें से 177,000 में से जो 27,000 है ये तो टैक्स का है, ये तो क्या है GST का है, तो ये GST माइनस करने के बाद 150,000, ये हमारे पास कैलकुलेशन है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे, अगर आपको कंफ्यूजन हो नहीं होगा फिर भी 150,000 पे 10% ऑन परचेस, 10% ऑन परचेस उस पे 10% मिलेगा, तो 150,000 पे 10% बोलेगा तो ये जीरोस कैंसिल हो गए तो 15,000, तो 15,000 का डिस्काउंट है ना वो जो बंदा है कौन परचेस किया है, तो मतलब है ना प्रकाश दे रहा है तो हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं मतलब यहाँ पर धोनी एंड कार वाले ने रिसीव किया, और बाकी का GST एज इट इज आने वाला है तो 27,000 एंड 15,000 एंड उसके साथ साथ आपको 15,000 इसमें माइनस करना है, 150,000 माइनस 15,000 करेंगे, 150,000 माइनस 15,000 करेंगे तो 135,000 आएगा, तो 135,000 प्लस 27,000 करने पे कितना होगा 135,000 प्लस 27,000 जब कैलकुलेट करेंगे तो 162,000 होता है, कितना 162,000। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे एंट्रीज को तो इसकी जो एंट्री लिखेंगे वो इस तरीके से होगी कि भाई 25 तारीख को यहाँ पर प्रकाश एंड कंपनी को अब डेबिट कर देंगे, पहले उसको क्रेडिट किया था वो हमारा क्रेडिटर है, हम ये सोचे कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो पहले हमने क्रेडिट किया था, अब हम है ना प्रकाश एंड कंपनी को डेबिट करें ताकि ये अमाउंट रफा दफा हो सके क्योंकि पेमेंट हो रहा है ना, तो ये 177,000 की अमाउंट को हम रफा दफा कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 177,000 177,000 टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट
रिसीव्ड अकाउंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड में 15,000 का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप यहां से भी माइनस कर सकते हैं, 1,77,000 माइनस 15,000 किया तो 1,62,000 का पेमेंट किया, कैश चला गया बिजनेस से, ये पेमेंट कैश डिक्रीज हो गया। और यहाँ पे ये हमारा क्रेडिटर है, तो जब भी क्रेडिटर डिक्रीज होता है, मतलब क्रेडिटर का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हमको डेबिट में लिखना होता है। नरेशन में लिखेंगे बिंग पेमेंट मेड टू प्रकाश, पेमेंट मेड टू प्रकाश एंड कंपनी, एंड कंपनी एट द रेट ऑफ 10% उसने कैश डिस्काउंट दे दिया, मतलब उनको कैश डिस्काउंट। नाउ इसको सेपरेट कर देंगे। अब कितनी तारीख की बारी आ रही है भाई, अभी है 30 तारीख, तो 30 तारीख इनवॉइस्ड गुड्स, इनवॉइस्ड मतलब मैंने जैसे आपसे कहा इनवॉइस्ड वर्ड को याद रखो, इनवॉइस्ड मतलब सोल्ड, सोल्ड गुड्स टू संजय, संजय को गुड्स बेच दिए, संजय को गुड्स बेच दिए, मतलब यहां पर जो एंट्री आएगी वो संजय अकाउंट डेबिट टू, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगी, तो हम यहां पर लिखेंगे 30 तारीख को संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री है 10,000 की, तो हम यहाँ पर 60,000 की, सॉरी 10,000 का तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, 60,000 का सेल्स नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स इनवॉइस्ड, जैसे मैंने आपसे कहा इनवॉइस मतलब सोल्ड, आप ब्रैकेट में लिख लो सोल्ड टू संजय, तो संजय हमारा डेटर हो गया, संजय को बेचा है, वो फ्यूचर में पैसा देगा, तो जब डेटर इंक्रीज होता है तो डेबिट में लिखो, और सेल्स इनकम है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में लिखो, इस तरीके से एंट्री लिखनी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये 31 तारीख दिया है, यहाँ पे 31 नहीं आएगा, इसको 3030 करो, नवंबर महीने में किसी ने आज तक देखा है क्या 31 तारीख? नहीं ना, आप खाली फरवरी में देखते हो कि है ना, 4 साल बाद, हर 4 साल बाद है ना, चौथे साल में हर बार है ना, मतलब जो लीप ईयर आता है तब हम देखते हैं कि भाई 28 से 29 हो जाता है, लेकिन नवंबर में कभी भी है ना 31 तारीख नहीं आती है, तो 30 30 यहाँ पे 30 30 कर देना आपको। संजय रिटर्न गुड्स ऑफ ₹10,000, तो संजय को हमने बेचा था, संजय को धोनी ने बेचा था, वो रिटर्न कर रहा है, तो सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, उसको रिटर्न इनवर्ड भी वर्ड यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो अभी एंट्री यहाँ पे लिखने वाले उसमें हम क्या लिखेंगे कि भी रिटर्न इनवर्ड्स भी हम वर्ड लिखेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे, इसलिए यहाँ पे 30 तारीख कर लेना, सब करेक्शन कर लेना, ये छोटी छोटी एरर्स हो जाती है, तो सेल्स रिटर्न स्लैश इनवर्ड रिटर्न भी बोला जाता है, आप इस तरीके से लिख लो इनवर्ड रिटर्न अकाउंट डेबिट। देखो जब है ना सेल इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब सेल डिक्रीज होता है, अब डिक्रीज हो रहा है ना, वापस दे दिया माल, इसका पैसा थोड़ा ना देगा अभी वो, तो 10,000 का माल वापस कर दिया है यहाँ पर संजय ने, तो 10,002 जब है ना संजय हमको पैसा देने वाला था तो हमने उसको डेबिट किया, वो हमारा डेटर है, डेबिट किया, और अब जब उसका बैलेंस कम हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे संजय अकाउंट, क्योंकि अब 10,000 का पैसा, 10,000 हमको नहीं देने वाला है भाई, 10,000 कम देगा, पहले डेबिट में 60,000 है, तो डेबिट में 60,000 है और क्रेडिट में 10,000 है, तो डेबिट एंड क्रेडिट का आप माइनस करोगे तो 50,000 का ही पैसा रिसीव होने वाला है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय, संजय ने गुड्स वापस दे दिया, माल वापस रिटर्न कर दिया, यहां पे सेपरेट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट एंट्री पे मूव करेंगे, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री है वो लास्ट एंट्री है, अभी हो गया हमारा सम भी, देखिए लास्ट एंट्री में क्या बोला, संजय बिकेम इंसॉल्वेंट, अब ये इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब ये है ना बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो गया, और इसके पास से खाली है ना ओनली 50 पैसा, मतलब ओनली 50% इन अ रुपी, मतलब टोटल 100 एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे में से 50 पैसा, इसका मतलब 50% रिसीव हुआ,
50% रिसीव हुआ और 50% रिसीव नहीं हुआ, तो जो रिसीव हुआ मतलब आप देखो अभी कितना संजय का अमाउंट बचा है, तो मैं आप लोगों को इसकी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मेरे पास स्पेस रहने वाले तो यहीं पे मैं वर्किंग नोट आपको इसकी दिखा देती हूँ वर्किंग नोट में कि भई है ना लास्ट जो तारीख है 30 तारीख को संजय डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया इंसॉल्वेंट, तो उसका जो 50,000 कैसे आया ये भी देखिए, 60,000 का उसका है ना डेबिट का अमाउंट है, ये देखिए यहाँ पे 60,000 का डेबिट का, हाँ उसमें से ना 10,000 का उसे माइनस कर दिया है, हमको रिटर्न कर दिया 10,000 रिटर्न वाला माल, रिटर्न वाला रिटर्न कर दिया, तो कितना हो जाता है फिर 50,000। अब ये 50,000 में से आधा अमाउंट रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव्ड वो है ना हम कैश अकाउंट में लिख देंगे कैश अकाउंट, क्योंकि रिसीव हो गया तो कैश अकाउंट में हाफ अमाउंट रिसीव, हाफ मतलब 50% 50 पैसे रिसीव्ड, तो इसका मतलब है ना यहाँ पर 25,000 रिसीव हो गया एंड अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट जो कवर नहीं हो पाया, अमाउंट नॉट रिकवर्ड नॉट रिसीव, नॉट रिकवर्ड नॉट रिसीव, तो वो हो गया 50 पैसे नहीं रिसीव हुआ, तो वो है 25,000 जो अनरिसीव्ड है। इसके लिए हम बैड डेब्ट्स वर्ड यूज करेंगे, क्या बैड डेब्ट्स, जब ये ना डेटर से पैसा नहीं मिलता तो उसको बैड डेब्ट्स करके रिकॉर्ड किया जाता है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सारा थियरी पार्ट पढ़ा है तो उधर आपको समझ में आया होगा, उसी के हिसाब से हम अभी अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैश रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट 25,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट ये है ना अनरिकवर्ड अमाउंट है, अनरिकवर्ड जिसकी रिकवरी नहीं हुई, अनरिकवर्ड, यहां भी आपके समझ के लिए लिख देती हूं, अनरिकवर्ड अमाउंट को डेबिट किया 25,000 टू। अब यहां पे हम यहाँ पे संजय से रिसीव, संजय के खाते को बंद कर रहे हैं ना, जब संजय को से पैसा रिसीव होने वाला था रिसीव नहीं हुआ था तो हमने एज अ डेटर उसका नाम लिखा था, अब उसका हिसाब किताब पूरा हो रहा है ना, रफा दफा कर रहा है वो भाई, आधा दे रहा है आधा नहीं दे रहा है, तो हम इसकी बुक्स को इसकी जो अकाउंट उसको क्लोज कर रहे हैं संजय को, तो यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी 50,000। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग, यहाँ पर संजय बिकेम इंसॉल्वेंट, संजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे मतलब 50% इन अ रुपी रिसीव्ड एज फाइनल सेटलमेंट के रूप में इतना ही दिया, उसने बोला भाई मेरे पास ज्यादा है ही नहीं मैं कहां से दूं, तो फाइनल सेटलमेंट के लिए, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां तक का। लास्ट में जो आएगा हमारा टोटल, तो आप लोगों को टोटल करना है, टोटल करके देखना है, टोटल यहाँ पे आपको टोटल करना है, आप जब पूरा अमाउंट टोटल करोगे तो फिर आपको 11 लाख यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो 11,13,800 आपको कैलकुलेट करके देखना है। मैं आपको अमाउंट दे देती हूँ लेकिन आप टोटल कीजिएगा 11,13,800 आपको यहीं पे जैसे यहाँ से शुरू करना है 19 यहाँ पे कोई भी एक कॉलम उठाओ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख एंड 1 लाख 4 लाख 4 लाख 50 4 लाख 80 फिर यहाँ पे कितना गया 7 तो 4 लाख 87 तो इस तरीके से आपको टोटल करना है। आपको कैसे कन्वीनियंट लगता है कंफर्टेबल लगता है आप अपने हिसाब से इसकी एडिशंस करके क्विक प्रैक्टिस करो एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।